नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज फ्लिपकार्ट पे था रियलमी सी 11 का सेल, जो कि 7500 रुपए के अंदर एक बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसे सक्सेसफुली आज बुक किया है। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा रियलमी सी 11, सी 12, सी 15, मतलब फ्लिपकार्ट में अवेलेबल कोई भी फ्लैश सेल प्रोडक्ट आपको कैसे एक सेकेंड के अंदर कॉन्फर्म खरीदना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई बात का। और ये वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप गैजुअल चैनल पर नए हैं और ऐसे वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं, तो गैजुअल चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फ्लिपकार्ट से कोई भी प्रोडक्ट कॉन्फर्म खरीदने के लिए आपको एक ही एक्सटेंशन की जरूरत है, उसका नाम है प्राइस ट्रैकर। इसके लिए आपको बस गूगल पे सर्च करना होगा प्राइस ट्रैकर, इसे सर्च कीजिए। आप देख सकते हैं जो पहला वाला ऑप्शन वही दरअसल प्राइस ट्रैकर का लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यही दरअसल है प्राइस ट्रैकर का लोगो, यहाँ पर साफ साफ लिखा है प्राइस ट्रैकर। अब इस एक्सटेंशन को आपको इंस्टॉल करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ए वाला एक्सटेंशन पहले से ही मेरा इंस्टॉल्ड है। अगर आपके पास ए वाला एक्सटेंशन पहले से इंस्टॉल नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस इस जगह पर आपको एक ऐड टू क्रोम नाम का ऑप्शन आएगा। उस ऐड टू क्रोम ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, उसके बाद कोने पर आप देख पाएंगे प्राइस ट्रैकर का ये लोगो आ चुका होगा। तो उसके बाद आपको इस प्राइस ट्रैकर लोगो पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको बस तीन काम करना है। लेकिन एक चीज़ कह दूँ, इससे पहले आप अपने जो भी फ्लिपकार्ट अकाउंट से ये स्मार्टफोन खरीदना चाहेंगे, पहले आपको ब्राउजर पे उसे ओपन करना होगा, फिर ही आप ये प्राइस ट्रैकर का काम कीजिए। तो आप देख सकते हैं प्राइस ट्रैकर मैंने ओपन कर लिया। तो जो पहला टास्क यहाँ पर लिखा है, ऑटो चेकआउट ऑन फ्लिपकार्ट डिफॉल्ट एड्रेस विल बी सिलेक्टेड, प्लीज डू पेमेंट सिलेक्शन फ्रॉम बिलो फॉर फास्टर चेकआउट। मतलब ये वाला सॉफ्टवेयर आपके लिए ऑटोमेटिक चेकआउट कर देगा, तो इसीलिए आपको ऑटो चेकआउट ऑन फ्लिपकार्ट इस पर टिक करना है। उसके बाद आपको टिक करना है कि आपका पेमेंट मेथड क्या होगा, गिफ्ट कार्ड, फोनपे, नेट बैंकिंग, कैश ऑन डिलीवरी और अदर्स। मैं यहाँ पर सीओडी पर क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद आपको कितने क्वांटिटी चाहिए, ऑब्वियसली आपको एक ही क्वांटिटी चाहिए होगा, तो यहाँ पर वन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपका काम खत्म होता है। उसके बाद आपको कौन सा वेरिएंट चाहिए, तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कीजिए। स्क्रॉल करते हुए आपको मिलेगा रियलमी सी 11 का रिच ग्रीन या फिर रिच ग्रे, मतलब ग्रे या फिर ग्रीन कलर। मुझे चाहिए 232 का ग्रीन कलर, तो इसलिए मैं बस यहाँ पर ग्रीन पर क्लिक कर रहा हूँ। देखिए जैसे मैं यहाँ पर ग्रीन पर क्लिक कर रहा हूँ, आपके ब्राउजर पे जो पहले से ही फ्लिपकार्ट का अकाउंट ओपन है वो फिर से ओपन हो जाएगा और जो प्रोडक्ट सेल पेज वो आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ब्राउजर हर 5 या 6 सेकंड बाद ऑटोमेटिक रिफ्रेश करता जाएगा। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ कहना चाहूँगा, प्राइस ट्रैकर आपके लिए 100% एक काम कर देगा, कोई दूसरा एक्सटेंशन यूज करने की जरूरत नहीं, जिससे कि आपका ओवरऑल स्पीड स्लो हो जाए। तो देखिए सेल अब शुरू होने वाला है। देखिए सेल शुरू हो चुका है, प्राइस ट्रैकर ने ऑटोमेटिक बाय नाउ पर क्लिक कर दिया है। एग्जैक्टली 1.5 सेकंड के अंदर प्रोडक्ट सिलेक्ट होके, मेरा एड्रेस सिलेक्ट होके, मेरा जो पेमेंट मेथड वो भी सिलेक्ट हो चुका है। मतलब ये सारा काम ये जो ऑटो बाय एक्सटेंशन इसने कर दिया है। बस अभी मुझे ये जो कैप्चा इसे फिल करना होगा। जैसे ही मैं कैप्चा फिल करके प्लेस ऑर्डर करूंगा, ये वाला स्मार्टफोन कॉन्फर्म बुकिंग हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको रियलमी सी 11 खरीदना है, मतलब रियलमी सी 11 के अलावा जो भी फ्लैश सेल पे फ्लिपकार्ट पे जो भी स्मार्टफोन मिलता है, सभी प्रोडक्ट के लिए वन एंड ओनली एक्सटेंशन है प्राइस ट्रैकर। और प्राइस ट्रैकर को आपको एकदम इसी तरीके से इस्तेमाल करना है। वैसे फ्लैश सेल रिलेटेड अगर आपको कोई भी इंक्वायरी हो तो नीचे दिए गए इस टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कीजिए और मुझे, मतलब मोहित मित्र को पर्सनली मैसेज कीजिए। मैं फ्लैश सेल रिलेटेड आपको जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर, थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।